हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह। मेरे पास है ओप्पो का F15 और जैसा कि 4 GB के साथ 128 GB के साथ। दोस्तों, जो ओप्पो के फोन वैसे काफी अच्छे आते हैं और बैटरी जो इनकी ओप्पो की काफी लॉन्ग लाइफ चलती है दोस्तों, जो काफी मस्त है। और देखते हैं ओप्पो F15 में किस तरह का है और क्या है, देख लेते हैं अभी दोस्तों। तो बॉक्स को कर दिया है मैंने ओपन, और जैसे कि अभी पहले भी बॉक्स पहला बॉक्स निकला तो अंदर की साइड और सिम ट्रैक निकालने के लिए पिन, और इसके अंदर रहेगी डिटेल्स, जानकारी और फोन के बारे में डिटेल्स है पूरा। और कवर आएगा, जो कवर काफी सॉफ्ट है दोस्तों, एकदम गुड कह सकते हैं, और कवर काफी सॉफ्ट है तो इसको रखते हैं साइड में दोस्तों। और नीचे के साइड जाएंगे तो दोस्तों ओप्पो का मोबाइल अभी फिलहाल के रख देते इसको साइड में, और इसके नीचे आएगा कवर और चार्जर जो रहेगा, स्टेप का चार्जर, फास्ट चार्जिंग चार्जर है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं अभी फास्ट चार्जिंग चार्जर, तो इसको भी रखते हैं साइड में दोस्तों। तो और नीचे के साइड आएगा दोस्तों केबल जो रहेगी इसकी, सी टाइप चार्जिंग केबल है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं सी टाइप चार्जिंग केबल है दोस्तों इसमें। तो ओके, तो और नीचे के साइड ओके दोस्तों, और कुछ सरप्राइज कुछ मिला मुझे ओके दोस्तों। तो नीचे के साइड आएगा ओप्पो के एयर पिन दोस्तों, ज़्यादातर फ़ोन में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अगर आप फ़ोन हैवी लेते तो भी अवेलेबल होते हैं ओके दोस्तों। तो इन सबको रख देते हैं साइड में दोस्तों। दोस्तों, जो अभी मेरे पास है ओप्पो F15, जो अभी इसको थैली को अभी निकाल लेते हैं साइड में दोस्तों। ओके, आप लुक वाइज जो देख सकते हैं ब्लू शेडिंग कलर शेडिंग है, और थोड़ा ब्लैक टाइप का आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि ब्लू शेड है, तो कलर नेवी टाइप ब्लू में काफ़ी मस्त है, और कल और लुक वाइज जो देखने के लिए ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहेगा। साइड में लॉक अनलॉक, और नीचे के साइड स्पीकर और सी टाइप चार्जिंग केबल और एयरपिन प्लग आएंगे, और साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन और सिम कार्ड पोर्ट का आएगा दोस्तों। तो इस टाइप का कुछ लुक है, और कैमरा वाइज लुक आप देख सकते हैं ओप्पो का काफ़ी मस्त है, और डिजाइन फॉर F सीरीज जो की है तो काफ़ी मस्त, F सीरीज के फ़ोन ऐसे काफ़ी अच्छे आते हैं दोस्तों। तो अभी करते हैं इसको ऑन दोस्तों। दोस्तों, जो फ़ोन हो गए हैं ऑन अभी, तो अगर इसके स्क्रीन की बात करें तो काफ़ी मस्त है और काफ़ी सॉफ्ट है स्क्रीन की बात करें दोस्तों। और जैसा कि क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों। अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा रहेगा इसमें रियर कैमरा दोस्तों, जो रहेगा इसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल, जो इस टाइप का कुछ कैमरा है इसमें दोस्तों। और फ्रंट कैमरा रहेगा वो 16 मेगापिक्सल का दोस्तों रहेगा, और इसका वेट है 172 ग्राम्स जो दोस्तों। और स्क्रीन साइज रहेगी 16.2 सेंटीमीटर, 6.4 इंचेस है दोस्तों। तो और दोस्तों, बाकी अगर फोन के अगर डिटेल्स की बात करूँ तो काफ़ी मस्त है, और कैमरा क्लियरिटी दोस्तों इसकी देख लेते हैं किस टाइप का है। और जैसा कि कैमरे के लिए मैंने अभी इसी का ही ले लिया है, अभी वो क्लिक किया मैंने। अगर क्लियरिटी की दोस्तों दोस्तों बात करूँ तो काफ़ी मस्त है, और जूमिंग भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी नहीं फट रहा है, और फोटो जो काफ़ी मस्त है दोस्तों, इस टाइप को देखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। और इसके मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं, तो अभी देखते हैं मेन फंक्शन में क्या है क्या नहीं है दोस्तों। और अबाउट फोन और डिवाइस नेम ओप्पो F15, मॉडल नंबर CPS 2001, कलर वर्जन आएगा V6.1.2 जो लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, और एंड्रॉयड वर्जन आएगा इसमें 9 वर्जन है। प्रोसेसर आएगा इसमें दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर, रैम 4 GB और डिवाइस स्टोरेज 128 GB, वर्जन CPS 2001 लेटेस्ट वर्जन दोस्तों, और कर्नल वर्जन आएगा 4.4 जो लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों ए बी। और ज़्यादातर अगर देखने के लिए तो काफ़ी मस्त फोन रहेगा। और जैसे कि अगर इसके बैटरी की बात करूँ, और अगर इसके बैटरी की बात करूँ तो रहेगी 4025 की बैटरी है, 4025 mAh की बैटरी है, और FHD+ एमोलेड डिस्प्ले है जो काफ़ी मस्त है, और इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर आएगा जो दोस्तों एक कुछ लुक कुछ नया है, ज़्यादातर में पैक इसमें फिंगर सेंसर इन डिस्प्ले, और 3.0 है इसमें जो काफ़ी मस्त है दोस्तों। अगर इसके प्राइस की अगर दोस्तों जब बात करूँ तो प्राइस रहेगी 20,990 रुपीज़ दोस्तों, इस प्राइस में देखने के लिए जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों, और फ़ोन काफ़ी मस्त है। और वेट की और लुक वाइज देखने के लिए जाए तो दोस्तों काफ़ी मस्त और पतला और हल्का है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप फ़ोन देख ही सकते हैं, और क्लियरिटी काफ़ी मस्त है, और इसकी बैटरी जो 4025 mAh की मैंने जो कही है बैटरी, वो भी काफ़ी अच्छी आती है दोस्तों, क्योंकि ओप्पो की बैटरी काफ़ी मस्त और काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलती है दोस्तों। कैसा लगा ये फ़ोन मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।
फ्रेंड्स, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे मैंने डाल दिया, वहां से आप परचेस कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल्स लेकर जानकारी ले सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।